गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है दूसरा दिन मेरा हनोई में, और अभी मैं हूँ सेंट पीटर्स कैथेड्रल के पास में। और भाई साहब, बाइकर से थोड़ा बच के, अगर कभी भी आपका प्लान बनता है कि आप हनोई या वियतनाम में कहीं विजिट कर रहे हो, तो एक बार के लिए ज़रूर बाइकर से थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। इंडियन से भी ख़राब चलाते हैं भाई यहाँ पे। और ये है सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल, फ्रेंच एरा का बनाया हुआ है और काफ़ी बड़ा है। और ये है पीछे सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल। और अभी चलते हैं इस तरफ, कुछ और चीज़ों का एक्सप्लोर करते हैं। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। भाई सब, यहाँ पे गाड़ियों की अगर बात की जाए तो रेंज रोवर, मज़राटी, टोयोटा, मर्सिडीज, मतलब एक से एक गाड़ी देखने को मिल जाएगी भाई। वियतनाम को कम मत समझना, हमारे से तो थोड़ा सा मतलब आगे ही लग रहे हैं मेरे को। और यहाँ से मैं रोड क्रॉस करके उस साइड जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लेक है, और दोस्तों ये है वन की हम लेक। कल रात को भी मैं इधर ही बैठा हुआ था, उस साइड में था। आज मैं दूसरे रूट से आया हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चला यार ये वही लेक है जहाँ कल मैं बैठा था। और अभी चलते हैं थोड़ा सा दूसरे तरफ सिटी के। मैंने कल के लिए जो हैलोंग बे का जो टूर है उसको बुक कर लिया है, और इसमें हम एक शिप में जाएंगे। 6 आवर की जो जर्नी है वो कवर होगी इसमें। मैं आपको मैप अभी दिखा देता हूँ इसका, और काफ़ी बढ़िया है यार। इसी तरीके के इनके पास बहुत सारे टूर पैकेजेस हैं, नॉर्थ वियतनाम के सापा का है और बहुत सारे जगहों का है। तो अगर आप इधर आते हो अपने हॉस्टल से ही कंसल्ट करके उनसे बुकिंग करा सकते हो, वो बढ़िया ऑफ़र कर देते हैं। हम लोग को लगता है वहाँ बैठ के वियतनाम एक गरीब कंट्री होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई यहाँ पे सब कुछ भरपूर मात्रा में सफिशिएंटली अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी मतलब खाने पीने में थोड़ी सी इंडियंस को दिक्कत हो सकती है, पर इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। जैसा कि मैं अपने कल के वीडियो में दिखाया हूँ, तो आप आराम से खोज सकते हो इंडियन रेस्टोरेंट, और सब कुछ मिल सकता है भाई खाने। नहीं कुछ है तो मैकडोनल्ड्स और KFC तो है ही। दोस्तों यहाँ की गिलहरी, और भाई ये तो रेड रेड है, हमारे यहाँ से एकदम ही अलग है। और अपने लेफ्ट साइड में वन किम लेक है, और उधर है, उधर कोने में वहाँ पे मैकडोनल्ड्स। और आप अगर ओल्ड क्वार्टर्स में रुकते हो तो आपको खाने पीने की चीज़ें सफिशेंटली मिल जाएंगी। तो टैक्सी के लिए आप ऐप का ऐप यूज़ कर सकते हो। जो भी मेन अट्रैक्शन है मेरे लोकेशन के आसपास है, तो मैं तो वॉक करके ही घूमने वाला हूँ। और आप ऐसी बसेस में आप सिटी टूर भी ले सकते हो हनोई का। कॉस्ट के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ये बसेस आप ले सकते हो, ये पूरा सिटी टूर करा देंगी। एक दिन का टूर होता है, हर एक पॉइंट आपको आराम से कवर हो जाएगा। ट्रैफिक क्रॉस कर लेते हैं भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ होशिमिन मसोलियम की तरफ। आज वैसे तो वो बंद है, बट मैं एक बार वो वाला एरिया को देखना चाहता हूँ, क्योंकि और कुछ अभी इस साइड में देखने को नहीं है। तो टैक्सी वगैरह करनी पड़ेगी, तो उससे पहले मैं ये सब चीज़ें वॉक करके आज देख के आ जाऊँ। ये भाई एक विनफास्ट की कार। विनफास्ट जो कंपनी है वो हनोई में ही फाउंड हुई थी। अभी इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो सिंगापुर में है, बट आपको विनफास्ट की कार यहाँ वियतनाम में हर जगह देखने को मिल जाएगी। और भाई कार बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बेसिक गाड़ी बना रहे हैं भाई, ये लोग एकदम टॉप नॉच कार बना रहे हैं। आई होप इंडिया में भी जल्दी हमको विनफास्ट देखने को मिल जाए। और भाई यहाँ पे फुटपाथ पे लोग गाड़ी खड़ी करके चले जा रहे हैं, ये बात मैं सुनना रहा। पीछे भी एक टोयोटा की गाड़ी थी, उसके पहले विनफास्ट वाली भी जो थी। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है यार यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है, क्या है, क्यों है। मैंने कॉफ़ी पी है, और ये है कैफे। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है भाई, वाईफाई भी ले लिया था मैंने, और आहा कैफे करके है। आप भी ट्राई करना अगर आप इस स्ट्रीट पे आ रहे हो तो। अब चलते हैं थोड़ा आगे, वॉक करते हैं और इनका जो सेंट्रल एरिया है हनोई का उधर चलने की कोशिश करते हैं।
और भाई आगे वॉक करते ही ये वाली ट्रेन वाली जो लाइन है जहाँ कैफ़े वगैरह होते हैं और यहाँ से ट्रेन पास करती है, वो वाली जगह आ चुकी है। और यहाँ मैं शाम को हो सकता है आऊँगा, एक बार पता कर लेता हूँ जब ट्रेन कितने बजे आती है। और एक और ब्लॉगर मिल गए हैं अपने लग्जमबर्ग से, एक भाई मिल गए हैं, ही इज आल्सो अ ब्लॉगर एंड जैक। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स दिस लेन, the train street. Yeah? Sorry, I don't want to interrupt your vlog. No problem. Do you know if there's a train coming actually? I don't know. I really want to know the timing of the train so that I can experience the this street. Yes. Yeah. Yes. Yes. तो ये देखो भाई बिहाइंड द सीन कैसा सीन चलता है इफ यू आर व्लॉगिंग। और इन्होंने यहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग जो है वो लिख के रखी हुई है, तो आप इस टाइमिंग के हिसाब से आ सकते हो। और यहाँ का जो ट्रेन का एक्सपीरियंस है मेन, वो यहाँ आप कैफ़े पे बैठ के ले सकते हो। और अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो ये जगह पे आके कॉफ़ी एक्सपीरियंस करना तो बनता है यार। ट्रेन की टाइमिंग जो है वो यहाँ लिखी हुई है, आप ये हो सके तो स्क्रीन शॉट ले लो अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो। और ये जो कैफ़े का नाम है वो है 1983 होम 1983। और ये जो ट्रेन स्ट्रीट है हम इधर से वॉक कर रहे हैं और देखते हैं आगे क्या मिलता है। ट्रेन की टाइमिंग जो आज की है, आज ट्यूसडे है, तो आज रात को 9:10 पे यहाँ से ट्रेन पास करेगी। तो अगर हो सकता है मैं ट्राई करूँगा इधर आने का और इधर एक कैफ़े में बैठ के कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे और मस्त एकदम एक्सपीरियंस करेंगे। और पीछे मिल गए थे अपने एक भाई साहब, बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहा यार। और इन्होंने 67 कंट्री, मतलब वियतनाम उनके 67th कंट्री है। और इसके बाद वो कंबोडिया जाएंगे, लाओस जाएंगे, उसके बाद उनका प्लान है इंडिया आने का। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम शेयर कर दिया है, अगर वो आते हैं तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। और बस उनका चैनल का नाम है जैक रोमिंग, अगर आपको देखना हो। वैसे उनके भी उन्होंने भी अभी लेटेस्ट में ही शुरू किया है, 2 महीने हुए हैं, तो उनके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट कंटेंट उनके पास भर भर के। और वियतनाम में आपको मिल जाएगी इस तरीके की मैक्सी स्कूटर, जो कि अभी तक इंडिया में पॉपुलर नहीं हुई है, जल्दी ही हो जाएगी भाई। मैक्सी स्कूटर इंडिया में जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। और यहाँ होंडा का शोरूम इस तरीके से है, आपको यहाँ पे बड़े पहियों वाले स्कूटर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे आप सड़कों पर देख पा रहे हो। और भाई इन बंदे का चालान हो चुका है, कुछ तो कोई गड़बड़ कर रहा था ये बंदा, पुलिस वाले ने बगल करा लिया है। और ऐसी है यहाँ की एम्बुलेंस, ये है सिटी बसेस। और यार पता नहीं चल रहा है कब क्रॉस करना है, कब रुकना है, लोग तो रुके हुए हैं, कहीं वहाँ से खड़ा भी है तो मुझे गलती नहीं है। जब ह्यूमन के चलने का ग्रीन हुआ है तब ये लोग चल रहे हैं यार, यही नहीं सिस्टम समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी मैं रास्ते में जा रहा था तो ये वियतनाम वॉर हिस्ट्री म्यूज़ियम आ गया है, तो मैंने यहाँ की टिकट ले ली। 70,000 डोंग की पड़ी है, 40,000 पर्सन की और 30,000 फॉर द कैमरा। और यहाँ पे ये है वियतनामीज वॉर हिस्ट्री म्यूज़ियम, क्योंकि वियतनाम की जो हिस्ट्री है वॉर से भरी हुई रही है। तो एक टैंक है, ये एक एयरक्राफ्ट है, मैंने एक ये पर्ची ले लिया है। और इस म्यूज़ियम के अंदर US और फ्रेंच आर्मी के जितने भी प्लेन्स जो गिर गए थे या फिर जो भी प्लेन्स यहाँ पे लैंड हुए उनको सीज़ करके यहाँ पे रखा गया है। और ये है MiG-21, यही सेम एयरक्राफ्ट जो है वो गोरखपुर के एयरपोर्ट के ऊपर लगाया गया है, अगर आप वहाँ से हो तो आपको पता हो। ये है एक सोवियत यूनियन बिल्ट MiG-21, जिसको US आर्मी को रोकने के लिए यूज़ किया गया था। आप चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ का इतिहास। और ये है वो प्लेन IL-14 जो कि प्रेसिडेंट हो ची मिन के लिए यूज़ होता था, उनके सारे बिजनेस जो भी होते थे उसको उसमें इस्तेमाल किया जाता था। बाद में ये प्लेन जो है वो सोल्जर्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने लगा। और यहाँ पे इस प्लेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उस साइड में। और US एयरफोर्स के नेवी के जो प्लेन्स हैं वो भी रखे गए हैं। और यहाँ पे एक डिस्ट्रॉयड प्लेन का मलबा है उसको रखा गया है। और यहाँ कुछ टैंक्स हैं जो वियतनाम यूज़
यूज़ किया करता था। और ये जो US नेवी का प्लेन है, ये भी US द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था और इसको भी वियतनाम वॉर में इस्तेमाल किया जा चुका है। ईयर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 1964 से 1973 के बीच में इसको वियतनाम वॉर में इस्तेमाल किया गया था, ये वाले प्लेन। ये US एयर फोर्स का है, ये भी US एयर फोर्स का हेलीकॉप्टर है। और ये जो मलबा है, ये US और फ्रेंच ट्रूप्स जो थे वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे वियतनाम की इन्वेजन में, जिसको वियतनामीज ट्रूप्स ने मार गिराया। और यहाँ पे ये वाला जो टैंक है और वो वाला जो टैंक है, दोनों को सीज किया गया था वियतनामीज ट्रूप के द्वारा, जो कि वियतनाम की इन्वेजन में इस्तेमाल हो रहे थे। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है भाई। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, फिर बारिश होने की संभावना बन रही है। देखते हैं और क्या क्या है इस म्यूजियम में। और इधर है नंबर S4, इसके पीछे हमको देखने को मिलेगा एक एयरक्राफ्ट। और ये है एक US मिलिट्री का चिनूक, जो कि देख के बता देता हूँ 1965 में बनाया गया था। फर्स्ट US कैवेलरी डिवीजन का ये चिनूक है। और ये एक US एयर फोर्स का फाइटर जेट है, जिसका नाम है F-5E। अभी ये वाला जो सेक्शन था जिसमें एयरक्राफ्ट और ये चिनूक को रखा गया था, ये वाला मैंने कवर कर लिया। यहाँ बहुत सारे एयरक्राफ्ट है भाई, सबके बारे में पढ़ने का टाइम नहीं है। तो जो इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट्स या हेलीकॉप्टर्स लाइक चिनूक और MiG-21F, वैसे जो एयरक्राफ्ट्स और टैंक्स हैं उनके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो टावर है, इसका नाम है हनोई फ्लैग टावर। इसको 1805 से 1812 के बीच में बनाया गया था। इसकी हाइट जो है 33.4 मीटर्स है और ऊपर वियतनाम का फ्लैग जो है वो लगा हुआ है। ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किधर से है ऊपर जाने का। और यहाँ के जो आर्चर साइज है उनको आप देख के पता लगा सकते हो कि वियतनाम के लोग छोटे हुआ करते थे हाइट में। फॉर एग्जाम्पल दिस, ऐसे करके निकलना पड़ेगा। दानिश भाई और उनके भाई आ चुके हैं, इनको भी मैं म्यूजियम घुमा देता हूँ। मेरे को तो सारी चीज़ पता चल गई है, तो मैं इनका टूर गाइड बन जाता हूँ। अभी चलते कुछ खाने का ले लेते हैं भाई। सुबह से मैंने कुछ ऐसा मतलब हैवी मील नहीं खाया है, तो अंदर से लो एनर्जी फील हो रहा है। और यहाँ दानिश भाई अपना कुछ देखते हुए, मैं ये ले रहा हूँ, 19,000 का है। और कॉफ़ी में कौन सा ले लूँ यार। तो भाई सब मैंने ऑर्डर किया है चिकन एंड चीज़, और ये मिल गया बज़र अपना। जो प्राइस मेरे को पड़ा है वो 45,000 है, जो कि कन्वर्ट होगा अराउंड 125 रुपीज़। और दानिश भाई भी कुछ ऑर्डर करते हुए, आप क्या ऑर्डर कर रहे हो? I'll go for the thin soda and one coke. और ये है लेनिन साहब की मूर्ति। इधर है हो ची मिन मॉज़ोलियम। अभी टाइम अगर मिलता है तो जाते हैं, नहीं तो फिर कल एक्सप्लोर करेंगे। और पीछे था अपना वॉर म्यूजियम।